कार में हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कैबिनेट के 17 मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया। इनमें से 9 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति वक्त के साथ बढ़ी है, वहीं 8 ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति वक्त के साथ घटी है। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास ज्वेलरी नहीं है, और कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिनकी पत्नियाँ उनसे ज़्यादा अमीर है। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में सबसे अमीर जेडीयू कोटे से आने वाले मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं, जिनकी संपत्ति 82 करोड़ के आसपास है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुसीबत का प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्योंकि 2019 में संजय झा की संपत्ति 22 करोड़ के आसपास थी, लेकिन महज 2 साल के अंदर संजय झा की संपत्ति कई गुना बढ़कर अब 82 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं जमा खान की संपत्ति जो है पूरे मंत्रियों में सबसे कम है, 30 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाकायदा ये संपत्ति का ब्यौरा देते हुए लिखा था कि उनकी संपत्ति 37 लाख है, लेकिन इस वक्त अप्रैल माह में जब संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है तो 30 लाख यानी 7 लाख की कमी आई है। आपको बता दें कि लगातार जो है नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं, और इस वक्त जब संजय झा को लेकर मामला सामने आया है कि 2 साल के अंदर उनका संपत्ति जो है कई गुना बढ़ गया है, तो फिर से वो एक बार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ सकते हैं। खैर, आपको और अन्य मंत्रियों के बारे में बताते हैं कि उनका जो स्टैंडर्ड है संपत्ति का वो क्या क्या है। नीतीश सरकार के जिन मंत्रियों की संपत्ति 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक बढ़ गई है, उनमें वन पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह शामिल हैं। नीरज कुमार सिंह की संपत्ति विधानसभा चुनाव के दौरान 12 करोड़ 94 लाख से थोड़ी ज़्यादा थी, जो अब बढ़कर 14 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की संपत्ति 1 करोड़ 35 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा हो गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित सिंह की संपत्ति विधानसभा चुनाव के दौरान 3 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा थी, जो अब बढ़कर 3 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जिन मंत्रियों की संपत्ति चुनाव से लेकर अब तक के चंद महीनों में बढ़ गई है, उनमें मध्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, खाद एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह भी शामिल हैं। मंत्री नितिन नवीन की पत्नी जो है उनसे 2.5 गुना ज़्यादा अमीर है। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन और श्रवण कुमार की पत्नी भी उन लोगों से ज़्यादा अमीर है, यानी अपने पति से ज़्यादा अमीर हैं। मंत्री सम्राट चौधरी, सुनील कुमार और जमा खान के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। मंत्री जयंत राज के पास अपनी एक बाइक है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मंत्री लेसी सिंह के पास है, उनके पास 4 गाड़ियाँ हैं और बेटे के नाम पर एक बुलेट है। शाहनवाज हुसैन और सुनील कुमार के पास कोई सोना चांदी नहीं है, यानी कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तो ये जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, तमाम मंत्रियों के द्वारा 17 मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, और जिसको लेकर ये स्टैंडर्ड था किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, किनके पास नहीं है, ज्वेलरी का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा किया है। आप यूँ जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।